एक बार पहले बेसिक फॉर्मूले और ये रिवाइज कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला उसका फॉर्मूला, उसके बाद फिर हम लोग कुछ। भाई साहब, इस क्लास में मैं ये इसी चीज में परेशान रहती हूँ, बस एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट। ठीक है भाई, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला कब यूज करते हैं और फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए। फॉर्मूला पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होगा, हमेशा ये चीज याद रखना। किस चीज के लिए वैलिड रहेगा? सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? दो चार्जेस के बीच का मैग्नेट डिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। इससे तुम उन दोनों के बीच के निकाल सकते हो फोर्स। ये क्या है? फोर्स है, ठीक है। तीसरा, मुझे फील्ड का फॉर्मूला बताओ। एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर फील्ड निकालनी है, हाँ, KQ अपॉन R2। अगर कोई भी किसी चार्ज की वजह से, मान लीजिए क्यू चार्ज है, अगर उसकी वजह से किसी दूरी आर पर आपको फील्ड निकालनी है, तो वो फील्ड की जो वैल्यू आती है के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। ये है आपके पास फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गए पॉइंट चार्जेस के लिए फील्ड, है ना, पॉइंट चार्जेस की बात हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूस चार्जेस। कॉन्टिन्यूस चार्जेस में बात करते हैं, तो सबसे पहले मुझे बताइए, एक लीनियर कंडक्टर है या वायर लगा लो, उस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर आपको उस वायर की वजह से, जिस पर लैम्डा, जिसका मान लीजिए ये एक कंडक्टर है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एल लेंथ की वायर है, तो इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है। अब आपको किसी पॉइंट आर पर एक फील्ड निकालनी है, तो उस फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आता है? मान लीजिए पी पॉइंट पे या आर दूरी पे, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा पी पॉइंट पे? इलेक्ट्रिक सेकंड रुकना भाई, कौन आया? कोई आया था क्या? नहीं, बताओ फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला मैम बताइए, लैम्डा बाय 2 पाई आर मैम एप्सिलॉन। लैम्डा बाय, लैम्डा मैम बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन। 2 पाई आर एप्साइलन नॉट, और देखो और बताओ जनरल फॉर्मूला, बताओ जो जनरल फॉर्मूला है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और किसी पॉइंट आर पर निकालना है, मान लो ये डिस्टेंस, ये एल लेंथ की वायर है, ए बी वायर है, आर पर बताइए कितना आया। बोलो, एक दिन बहुत स्पेशल क्लास हुई थी ना, लाइन चार्ज के लिए सॉल्व कराया था, क्या फॉर्मूला आया था? लैम्डा बाय 4 पाई आर एप्साइलन नॉट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये किया था ना कि दो वायर्स के जो एंड है, जिस पॉइंट पर पी निकालना है उस पॉइंट पर हम कनेक्ट कर देंगे। एक एंगल होगा थीटा 1, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, है ना, क्लॉक में,
एक एंगल लेंगे हम लोग थीटा टू जो एंटी क्लॉकवाइज में होगा, ये हमने पढ़ा था स्ट्रेट वायर की वजह से। अब क्या होगा कि किसी भी पॉइंट की वजह से अगर आप मास पॉइंट निकालते, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो पी पॉइंट पे, तो वो फील्ड बच्चों दो तरीके से आती है, एक आपके पास आती है ई एक्स, एक आती है आपके पास ई वाई। जो ये फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ई एक्स का, लैम्डा बाय 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ई वाई के लिए बच्चों फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा बाय 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 और थीटा 1 की वैल्यू या तो गिवन होंगी या फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अगर ये सिमेट्रिक वायर है, ठीक है, इफ, अगले पेज पे बढ़ती हूँ, यहीं पे लिखती हूँ, इफ वायर इज सिमेट्रिक तो कितना आएगा, वायर सिमेट्रिक है यानी जिस पॉइंट पर निकालना है वो दोनों पार्ट्स को इक्वल डिवाइड कर रहा है, यानी ये वन पार्ट और ये टू पार्ट। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किसकी वजह से होगा स्टूडेंट्स, हाँ, इसमें ई वाई कॉम्पोनेंट को क्या कर देते हैं, कॉम्पोनेंट क्या हो जाता है इसमें, जीरो हो जाएगा, राइट। तो तब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ये वायर गिवन है और आपसे बोला गया है इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इस पॉइंट पी पे फील्ड निकालो, तो देखो जो ये पॉइंट पी जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस पॉइंट पे, तो ये जो वायर्स की दो लेंथ है ये बराबर है, तो समझ जाओ वाई कॉम्पोनेंट जीरो है, तो सिर्फ आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई एक्स। क्या बोल रहे हो, तो इस केस में तुम्हारा ई एक्स ई वाई जीरो हो जाएगा और सिर्फ ई एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो सेकंड केस बताओ, अगर ये वायर इनफाइनाइट है, मैंने बोला इनफाइनाइट वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, पॉइंट पी पे आपको यही सेम केस पॉइंट पी पे फील्ड निकालनी है, बच्चों बताओ फॉर्मूला क्या आएगा, बताओ बोलो, बोलो बच्चों, इनफाइनाइट वायर के लिए कितना हो जाएगा, अगर ये वायर इनफाइनाइट है तब कितना वैल्यू आएगा, मान लो ये वायर है ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, ये पॉइंट है पी जो कि इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे है, बताओ पी पर कितना फील्ड आएगा इस लैम्डा की वजह से, बताओ ये तो बच्चे सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करे क्वेश्चन तक नहीं करे, तो कैसे गए तुम लोग, लेक्चर नोट्स बनाए हैं तुम लोगों ने, है भाई लेक्चर नोट्स, लेक्चर नोट्स बनाए होते तो ये चीज हमने पहले डिस्कस जरूर करी है, लेक्चर नोट्स कहाँ है तुम लोगों के, मैम लाइट का थोड़ा इश्यू है, बैटरी नहीं मैम फोन में, क्या मैं लीव कर दूं, फिर क्लास नहीं अटेंड करूंगी मैम, पावर बैंक था ना मैम वो भी डेड है, तब क्लास कैसे लोगी, आज की कल टेस्ट है, आज तो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, चार्जिंग पे लगा लो फोन, जाओ चार्जिंग पे लगाओ, मैम लाइट नहीं है, अच्छा लाइट नहीं है, 5 क्या क्लास में, अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, इन्वर्टर भी नहीं खत्म हो गया होगा है ना, तो अब क्या करें, मम्मी किसी और के मोबाइल से ले लो अगर हो पाए तो, किसी और के मोबाइल में चार्जिंग हो तो, सिर्फ 1 घंटे की क्लास है, यस मैम ट्राई करती हूं, एक बार कोशिश करो, और बाकी के बच्चे भी तुम लोग रिवीजन क्यों नहीं करके आए मुझे ये बताओ, बोला था सुबह रिवाइज करके आना है,
बच्चे हो यार तुम मेरे को, जाओ बोलो कितना होगा, कौन बताएगा, क्रिश बताएगा, क्रिश बताओ भाई। ये इनफाइनाइट वायर है तो इनफाइनाइट वायर के लिए ईवाई कितना हो जाएगा, ईवाई इनफाइनाइट है तो, हाँ तो इनफाइनाइट है तो मतलब सिमेट्री होगा, कोई भी पॉइंट ले लो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो ई वाई तो जीरो, तो सिर्फ ई एक्स बचा, तो ई एक्स देखो अब मुझे साइन थीटा वन और साइन थीटा टू की वैल्यू बताओ, इनफाइनाइट के लिए थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, तो साइन थीटा वन साइन 90 प्लस साइन 90 कितना आ गया, ये वैल्यू 2 हो गई, तो कितना आया 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जब भी इनफाइनाइट वायर के लिए पूछे, इनफाइनाइट वायर गिवन हो, लिख लो इनफाइनाइट वायर गिवन हो और फील्ड निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तीसरा सेमी इनफाइनाइट के लिए बताओ, चलो सेमी इनफाइनाइट क्या होगा, वायर एक तरफ से तो इन्फिनिटी पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कहीं है पी पर, ठीक है, ये पॉइंट पी यहाँ पे है। चलो अब बताओ थीटा वन और थीटा टू बताओ कितना होगा, सेमी इनफाइनाइट साइन 90 और जीरो, हाँ वेरी गुड, तो साइन 90 और जीरो, ई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा बाय 4 पाई, अब बताओ मुझे कि लैम्डा एक्स आएगा कि वाई भी आएगा, वाई भी आएगा, मैम वाई भी आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखो कहीं पी के नीचे कोई वायर है ही नहीं जो इसको बैलेंस आउट कर सके, तो इसका मतलब दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, तो पहले ई एक्स निकालो, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है तुमने बोला कितना हो जाएगा, एक 90 और एक 0। सिमिलरली वाई आएगा कितना, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तुम्हारे पास दो इक्वेशंस, ठीक है। ई नेट कितना हो गया, रूट 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है याद रहेगा, यस मैम। तो बस बेस मेन फॉर्मूला ये याद रख लो, ex कंपोनेंट का ये, y का cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। तो अब एक लीनियर चार्ज का क्वेश्चन कर दो, बढ़िया सवाल है, उससे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद टेस्ट पेपर है वो डिस्कस करेंगे। हाँ तो एक यू शेप की वायर है, मैंने एक क्लास में डिस्कस किया है ये सवाल, ये एक यू शेप की वायर है, ठीक है, ये एक तरफ से ये इनफाइनाइटी है और ये भी एक तरफ से इनफाइनाइट है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है ओ जो इस तरीके से है कि ये जो है ये इस तरीके से आएगा, एकदम सेंटर पे है, हाँ एकदम यही बनता है। अब एक तो ये वायर हो गई, इसका लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इसका भी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और एक सेकेंड दूसरे का भी ढूंढ के बताते हैं। इसका भी लैम्डा है, ये जो है इसका भी लैम्डा है, तीन वायर्स हैं, इन तीनों की वजह से मुझे ओ पॉइंट पर फील्ड बताओ, ई नेट एट पॉइंट ओ, ठीक है। अच्छा एक बार कर्व की वजह से भी डिस्कस कर लेते हैं, कर्व की वजह से कितना होगा, सर्कल की वजह से, यहाँ पे छोटा सा डिस्कस करते हैं रिवीजन, सर्कल एक पूरे सर्कल की वजह से, ठीक है ये एक पूरा कर्व है, इसकी वजह से अगर मुझे किसी पॉइंट
इसका रेडियस कैपिटल आर है, मुझे किसी एक्स दूरी पर फील्ड बतानी है, तो कितना आता है भाई बताओ पॉइंट पी पर। मान लो क्यू चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पी पॉइंट पर फील्ड बतानी है, बताओ ई पॉइंट पी पॉइंट पे। फॉर्मूला है सीधा डायरेक्ट m k q x upon r square plus x square की पावर 3 by 2। वेरी गुड वेरी गुड। k q x by x square plus r square की पावर 3 by 2। ये फॉर्मूले तो टिप्स ऑफ होने चाहिए। ओके वेरी गुड। अब बताओ कि अगर मेरे पास एक ये है सेमी इनफाइनाइट है, ठीक है, रिंग, और q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, o पॉइंट पर आपको फील्ड बतानी है, ठीक है, सेंटर पे, r इसकी रेडियस है, अब कितना फील्ड आएगा o पॉइंट पे। ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड। सेमी सर्कल, ये पूरे सर्कल की वजह से है, अभी मुझे सेमी सर्कल की वजह से बताओ, इसके इसके यहाँ पे पॉइंट पे ये सेंटर है जो ओ इस पर। मैम माइनस टू के लैम्डा बाय आर, माइनस टू के लैम्डा बाय आर, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, तुमने ये लैम्डा में निकाला है ना, तो इसका होगा लैम्डा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। सेमी सर्कल के लिए क्या होगा, लैम्डा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा एक बार मुझे डायरेक्शन बता दो कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक्स एक्सिस में आएगी, वाई एक्सिस, या माइनस एक्स या माइनस वाई। बोलो डायरेक्शन, कंपोनेंट्स लो, जैसे देखो ये मैं यहाँ पे रफली करके बता रही हूँ, ठीक है, ये पॉइंट है ओ, तुमने यहाँ से कोई एलिमेंट कट किया सपोज, ठीक है, ये तुमने एलिमेंट कट किया जिसे तुम डी थीटा मानोगे, और ये यहाँ से थीटा एंगल पे है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगी, राइट, और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है, तो ये वाली लाइन भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाएगी, इधर बना लो, ये एंगल थीटा हो गया, तो मुझे बताओ ये एंगल क्या हो गया, ई कॉस थीटा, और ये क्या हो गया बच्चों, ई साइन थीटा। अब इसके एक एंगल जस्ट ये जो पार्ट है इसके जस्ट यहाँ पे भी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सिमेट्री बनेगी ना 90 डिग्री पे, एक 90 डिग्री यहाँ पे 0 से 90 और एक 90 से 180 यहाँ पे, सेमी सर्कल की यही खास बात होती है, तो इसका मतलब तुम्हें ये तो पता होना चाहिए, या तो ई एक्स कॉम्पोनेंट आएगा या ई वाई कॉम्पोनेंट आएगा, दोनों तो नहीं आएंगे क्योंकि सिमेट्री आ रही है, राइट। तो आप देखो कि यहाँ से एक पॉइंट कट करोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनेगी, ये हो गई ई डैश। अब बताओ ई डैश के कौन सा कंपोनेंट किधर बनेगा, मान लो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, तो ये वाली लाइन, ये वाला एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ई कॉस थीटा यहाँ आ गया और e साइन थीटा कहाँ गया, यहाँ पे, तो ये e डैश साइन थीटा और ये e डैश कॉस थीटा। तो अब देखो e की वैल्यू जो मैंने e डैश लिखी है ये तो सेम ही रहेगी, क्योंकि सेम लीनियर चार्ज है और डिस्टेंस भी कितना है r ही रहेगा, तो देखो कॉस कंपोनेंट क्या हो गए, एक ये रहा कॉस कंपोनेंट और एक ये रहा, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट, तो नेट फील्ड कहाँ मिली, y डायरेक्शन में, तो तुम्हारा जो ये आया है ये क्या आया है, ई वाई है ना, दिस इज वॉट ई वाई, कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप में। इसका एक दूसरा केस भी देख लो, मैं यही साइड बाय साइड लिख लेती हूँ, अपने छुटके नोट्स बना लो, छोटू नोट्स, अगर एक इस तरीके से आए, बोले यहाँ पर ओ पॉइंट पर फील्ड बताओ और डिस्टेंस ये रेडियस है आर, अब बताओ डायरेक्शन कहाँ पे आएगी बच्चों, बताओ ई वाई आएगा या ई एक्स आएगा, पहले तो ये बताओ, अब आएगा एक्स, अब जो फील्ड आएगी वो इधर आएगी, तो ये कौन सा डायरेक्शन है,
एक्स डायरेक्शन, तो ये हो गया तुम्हारा ई एक्स विच इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन की बात है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस है तो ये पॉजिटिव आई कैप है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, कल टेस्ट में बैठने से पहले इन्हें रिवाइज कर लेना, जिससे तुम्हारा टाइम भी बचे। अब आ जाओ अपने सवाल पे, ये वाला, ये क्वेश्चन का, ये रब कर दूं बच्चों, जो ये समझाया है ये रफ कर दूं, नोट कर लो ये, मैं रफ कर रही हूँ। करो क्वेश्चन, करो इस क्वेश्चन के लिए जो भी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए वो मैंने अभी बताई है जस्ट, ठीक है। तो अब मैं तुमसे आंसर बिल्कुल सही एक्सपेक्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर वन फटाफट कर दो, इसके बाद हमें सब पे डिस्कस करनी है बहुत सारी चीजें। बन रहा है, देखो अलग अलग लेके करो, एक तो ये कंपोनेंट हो गया, एक ये हो गया दूसरा, और तीसरा ये होगी आर्क। तो अगर पहले को लेके चल रहे हैं, ये पहला है इनफाइनाइट है, ये पॉइंट ओ कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी वजह से ओ पॉइंट पर कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे फील्ड के, ई एक्स आएगा, ई वाई भी आएगा, दोनों कॉम्पोनेंट आएंगे। तो थोड़ा एक्सटेंड कर लेते, अब देखो अगर ये पॉइंट यहाँ से तुम कट करोगे तो ये फील्ड इधर गई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो बाहर जाएगा फील्ड। तो अब देखो ये एंगल मान लो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, तो ये इधर आएगा तुम्हारा ई एक्स कॉम्पोनेंट, और यहाँ कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, ई वाई कॉम्पोनेंट। तो दोनों कॉम्पोनेंट आए है ना, वाई भी और एक्स भी। तो ई एक्स का कॉम्पोनेंट कितना आता है, लैमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन कितनी आ गई आई, वाई की लिखो लैम्डा बाय डिस्टेंस, ये सॉरी मैं डिस्टेंस यहां पे देना, रेडियस आर, मैम 0 आ रहा है, 0 आ रहा है भाई, यस यस मैम, वेरी गुड, जिनका 0 आ रहा है वेरी गुड। तो वाई कहां गई भाई तुम्हारी, कौन सी डायरेक्शन में आ गई, माइनस जे कैप। सिमिलरली ये दूसरा वाला है, इसकी वजह से देखो फील्ड एक तो इधर जाएगी है ना, और एक इधर जाएगी फील्ड यहाँ पे। तो सेकंड की वजह से ये मान लेते हैं 1, ई एक्स 1 और ई वाई 1। अब इसकी वजह से देखो ई एक्स 2 देखो कितना आएगा, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पर अब डायरेक्शन कहाँ गई, माइनस आई कैप है ना भाई। वाई 2 का बताओ, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस जे कैप, जे कैप कौन सा डायरेक्ट, चलो जे की तो सेम आई राइट। अब ये आर्क की बताओ, इस आर्क की वजह से कितना आएगा, इसको 3 कंपोनेंट मानते हैं, तो ई 3 की वजह से बताओ कितना आया, पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डायरेक्शन जे कैप माइनस जे कैप। इसकी वजह से भाई यहाँ पे थी और इसकी वजह से यहाँ पे थी, तो इसकी वजह से ऊपर हो जाएगी, तो यानी पॉजिटिव जे कैप। अब इन सब की वजह से क्या करोगे, ऐड करोगे, तो देखो ये वाला कंपोनेंट किसको कैंसिल कर देगा, इस वाले आई कैप को है ना, सेम है, और ये वाला जो ई वाई टू, ई वाई वन और ई वाई टू, ये दोनों ऐड करके इसको कैंसिल कर देंगे है ना, यस मैम,
तो तुम्हारा ई नेट कितना आया सेंटर पे, जीरो। ठीक है, तो इसीलिए कई बार क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शंस को भी देख के चलना पेपर में ऐसे सवालों। ठीक है चलो, अभी ऐसे ही थोड़ा सा बेस क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन एक बार। अब मुझे बताओ, जैसे मेरे पास ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क की वजह से, डिस्क है ये, याद रखो डिस्क है, रिंग नहीं है, डिस्क की वजह से किसी भी पॉइंट पी पर, और अगर मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसके चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसका रेडियस है कैपिटल आर, और ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है। अब मुझे बताओ कि कितना फील्ड आएगा पी पॉइंट पे, है? चलो ये फील्ड की बात कर रहे हैं, फील्ड बताना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा क्यू, ठीक है, तो ये बताओ कि डिस्क के लिए कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, लैम्डा सिग्मा रो, कौन सा? सिग्मा। हाँ, क्योंकि सिग्मा सरफेस है, 2D है ना, तो सिग्मा लेंगे, तो इसकी वजह से कितना आएगा, फॉर्मूला याद करो, सिग्मा बाय 2 एप्साइलन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा कितना आएगा, हाँ देखो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस है तुम्हारा एक्स, हाइपोटेन्यूज हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर हो गया। ठीक है, अब इसी में बच्चों एक सवाल और आता है, इसी में क्या पूछ लेते हैं, ये पूछ लेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट पी है यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, एक इस तरीके से सवाल आएगा कि क्या होता है कई बार कि ये पॉइंट पी की जगह चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, अब इस क्यू चार्ज की वजह से ये बताओ, इस क्यू चार्ज की वजह से बताओ कि इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। ठीक है, ये सवाल, तो देखो जब तुमने फील्ड निकाली थी ना, तो फील्ड कैसे निकाली थी, फील्ड, जब यहां से जब हम लोगों ने फील्ड निकाली थी ना, तो स्मॉल एलिमेंट लेके हम लोग फील्ड निकालते थे कि छोटा सा एलिमेंट लिया तो पॉइंट पी पे कितने फील्ड की वैल्यू आई। अब वही चीज का उल्टा कर दिया कि पी पॉइंट पे चार्ज रख दिया, अब मुझे बताओ इस फील्ड से कितना फ्लक्स पास होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि फ्लक्स एक डिस्क से कितना पास होगा, तो उसका फॉर्मूला सेम यही है, बट वहां पे इस सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, ये जो क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये जो क्यू चार्ज है ना, इसका मैग्नीट्यूड, अगर ये क्यू चार्ज है तो यहाँ सिग्मा की जगह कितना आ जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा फील्ड का, और ये हो गया तुम्हारा फ्लक्स का। तो ये बहुत मेजर छोटा सा डिफरेंस है, पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो ये लिख लो अपनी कॉपी में कि डिस्क की वजह से फील्ड ये है और फ्लक्स ये है। ठीक है, लिख लिया। अब एक चीज और बताओ, अगर आपके पास इनफाइनाइट शीट है, उसकी वजह से मुझे किसी पॉइंट x पर आप मुझे बता दीजिए, नहीं उसमें तो डिस्टेंस पे, x पॉइंट पर बता दीजिए, इस इनफाइनाइट शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड, क्या फील्ड आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, इसका मतलब डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है। ठीक है, तो फील्ड क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड।
फील्ड के फील्ड अभी रिवाइज हो गया है, अब एक बार मुझे तुम ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन है पोटेंशियल का, ठीक है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल। तो अभी थोड़ा सा पोटेंशियल डिस्कस करें कि पता है थ्योरी, देखो तुम्हें थ्योरी पता होगा ना, तुम सारे सवाल निकाल लोगे, जैसे तुमने वो वायर वाला थ्योरी जैसी मैंने थ्योरी बताई तुमने सवाल निकाल लिया। अच्छा अब मुझे पहले बताओ कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, मान लो तुम्हारे पास एक क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर जो इसे आर डिस्टेंस की दूरी पर है, उसकी पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपॉन आर, के क्यू बाय आर, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अब डाइपोल की वजह से बताओ, एक बार डाइपोल डिस्कस कर लें, फील्ड और पोटेंशियल दोनों मैं यहीं पे डिस्कस कर लेती हूँ, पर मैं रब कर दूंगी, ठीक है, इस चीज को याद रखो। अब क्योंकि मैं मान लीजिए तुम्हारे पास ये डाइपोल है प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, इस डाइपोल की वजह से मुझे यहाँ पर किसी पॉइंट पी पर जो मान लीजिए इसकी डिस्टेंस है 2a, वो यहां से पॉइंट पी x दूरी पर है, मुझे बताओ कि p पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी पहले तो, और दूसरा बताओ पोटेंशियल कितना होगा इस डाइपोल की वजह से, ठीक है। डाइपोल की वजह से दो चीजें आती हैं, एक तो पोटेंशियल आएगा एक फील्ड, मुझे दोनों चीज बताओ, पहले पोटेंशियल फिर फील्ड। चलो ये फॉर्मूले रटे होने चाहिए मैम, पोटेंशियल तो kp अपॉन r स्क्वायर आएगा, क्या है kp बाय r स्क्वायर, मैम पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल कितना आया kp बाय r स्क्वायर, और फील्ड मैम 2kp बाय r क्यूब, वेरी गुड, 2kp बाय r क्यूब, r क्यूब आएगा, एक सेकंड रुकना, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पर 3 बाय 2 आती है और इसको हम करते हैं तो r की पावर क्यूब, ठीक है, r की पावर क्यूब आएगा। ये फॉर्मूले हैं, अब मुझे बताओ कि ये तुम्हारा एक डाइपोल है और ये पॉइंट पी है जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, ठीक है, ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। अब बताओ मान लीजिए ये डिस्टेंस आर है, अब बताओ इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड आएगी केपी अपॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये पी डैश पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, ई पी डैश बताओ केपी बाय आर, वेरी गुड, और पोटेंशियल जीरो, मैम जीरो, हाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी जो डायरेक्टली एड हो जाएगी, तो इसकी वजह से प्लस और इसकी वजह से माइनस, तो जीरो हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है kp बाय r क्यूब, यानी एक्सियल पॉइंट पे कितने टाइम्स है, टू टाइम्स है, ठीक है। अभी एक जनरल केस डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास एक ये चार्ज है प्लस q और माइनस q, डाइपोल है, अभी बताओ कि ये पॉइंट p है, ठीक है, और ये एंगल है तुम्हारा थीटा, इस पॉइंट पी पर मुझे बता दीजिए फील्ड कितना होगा और दूसरा मुझे बता दीजिए पोटेंशियल कितना आएगा। देखो फॉर्मूले तो होने ही चाहिए, कल के टेस्ट में ये ना हो कि फॉर्मूले याद ना है, तो ये नहीं होना चाहिए। मैम इलेक्ट्रिक फील्ड मैम kp बाय r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा, kp बाय r क्यूब, वेरी गुड। देखो इसका मतलब ये फील्ड अब कहाँ आएगा, जो ये पॉइंट p है ये एक्सियल भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो दोनों चीजें आएंगी, है ना, तो kp बाय r क्यूब, ये देखो
दोनों पॉइंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इन दोनों का क्या आएगा एडिशनल, है ना। तो जो कॉमन चीजें वो स्क्वायर रूट में बाहर आ गई और जो अंदर क्या बचेगा 3 cos² θ + 1 यही बचेगा ना। यस ठीक है भाई, और इसकी वजह से बता दीजिए मैम के पी अपॉन आर स्क्वायर और एरिया वेक्टर आर। नहीं 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 और कोई पोटेंशियल पी पर। अच्छा एक बार बताओ, अब पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो पोटेंशियल का एक्सियल कंपोनेंट और एक पोटेंशियल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक्सियल परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से कितना है पोटेंशियल जीरो, तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हाँ क्या आएगा केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। P cos थीटा क्यों, क्योंकि सिर्फ इसका एक्सियल कंपोनेंट तुम्हें पोटेंशियल देगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से जीरो हो गया। एक्सियल कंपोनेंट इस P का क्या बचेगा, देखो सॉरी ये एंगल थीटा है तो दिस विल बी P cos थीटा और एक इसका परपेंडिकुलर ये हो गया P cos थीटा और ये हो गया इसका P sin थीटा। तो P sin थीटा इज द परपेंडिकुलर एंगल जो जीरो हो गया, सिर्फ किसकी वजह से मिलेगा P cos थीटा। तो यहां पे आया देखो ये यहाँ से देखो पोटेंशियल के पी बाय आर स्क्वायर है तो तुम्हारे पास P cos थीटा और P sin थीटा दो दो में ये क्या होगा वेक्टरली डिवाइड होगा। P sin थीटा की वजह से जीरो तो सिर्फ क्या बचा P cos थीटा, तो यहाँ पे इस P को क्या लिख दिया P cos थीटा। इस तरीके से याद कर सकते हो कि एक्सियल का क्या था के पी आर स्क्वायर तो इसका क्या हो जाएगा P का P cos थीटा बस। ठीक है भाई ये अपने अब कॉपी में लिख लो, डाइपोल की वजह से यही चार फॉर्मूले हैं, डायपोल की वजह से ये चार फॉर्मूले हैं बस। अच्छा अब ये याद रखना एक चीज यहाँ पे जो समझने वाली है, जो समझने वाली बात है यहाँ पे वो क्या है, वो ये है कि जो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा सॉरी एक सेकेंड मिस्टेक सॉरी इसको माइनस करो उसको प्लस करो। अब ठीक, अब ये क्यों किया है मैंने ये समझो, ये जो एंगल थीटा है ये हमेशा डाइपोल की डायरेक्शन में लेना है। जब डाइपोल का आए ना, जब डाइपोल के लिए स्पेशली आए पोटेंशियल के लिए, कि डाइपोल की वजह से जब पोटेंशियल पूछा जाए तो याद रखना जो ये एंगल थीटा आप लोगों ने लिया है ये किसकी डायरेक्शन में लिया है, डायपोल की डायरेक्शन में। तो डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ, है ना। डायपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू की तरफ, तो देखो डायपोल की डायरेक्शन ये थी ये, और इसी डायरेक्शन से तुमने क्या लिया है एंगल थीटा उठाया है। ठीक है अगर तुम्हारी डायपोल की डायरेक्शन ये है तो अब एंगल जो थीटा उठाओगे वो कहां से उठाओगे यहां से। ठीक है तो हमेशा जो ये थीटा है वो किस डायरेक्शन से लेना है डायपोल की डायरेक्शन से, ये चीज याद कर लो, यही चीज समझने की थी, थीटा हमेशा डायपोल की डायरेक्शन में लेना है। आ गया समझ में, रिलेज कर दूं मैं ये सब कि रहने दूं। अगर ये समझ में आ गया है तो ये वाला सवाल कर दोगे। इसकी वैल्यू बता दो कितनी आएगी, सभी लोग करेंगे। इस सवाल के लिए जो भी थ्योरी चाहिए थी वो थ्योरी मैंने बता दी है।
क्या क्या आंसर आ रहा है भाई? गुम हो गए? देखो दो डाइपोल है, एक ये और एक ये प्लस टू क्यू और माइनस टू क्यू वाला, तो दो डाइपोल की तरह लिख लो इसको जनरल पॉइंट के लिए। एक तो एक डाइपोल, दूसरा दो डाइपोल पोटेंशियल है तो सॉरी पी। पहले की वजह से कितना आएगा? केपी कॉस थीटा, केपी मैम केक्यू वाला अपॉन आर स्क्वायर आएगा। हाँ केक्यू बाय आर, डिस्टेंस कितना है भाई देखो 2l, तो ये हो जाएगा पी। ठीक है, आर कितना है डिस्टेंस, ये आर है, स्क्वायर रूट ले लो, केपी बाय आर स्क्वायर हो गया, और कॉस थीटा 60 डिग्री यानी 1 बाय 2, सॉरी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1 बाय 2 राइट, 1 बाय 2 यही है। ठीक है पी वन आ गया, पी टू बताओ मैम माइनस क्यू और क्यू के बीच में 2l डिस्टेंस है। हाँ हाँ तो p की वैल्यू रख लो q 2l और ये आ गया 2r स्क्वायर। ठीक है क्या कहाँ पे कह रहे हो क्या कर लो? नहीं मैम ठीक है ठीक है, p की वैल्यू रख ली ना q 2l, r कौन सा डिस्टेंस है, r ये डिस्टेंस है भाई, r इज दिस डिस्टेंस ये वाला। अब दूसरे की वजह से बताओ, दूसरा दूसरे की वजह से कितना हो जाएगा? सेम के पी, पी कितना है यहाँ पे देखो चार्ज, पी क्या है भाई चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस कितना है देखो 4l, तो ये आ गया 4l डिवाइडेड बाय कितना है एक सेकेंड, अरे ये मैंने के पी बाय हाँ आर स्क्वायर, और थीटा कितना आएगा मुझे थीटा बताओ? मैम 120। हम 120। हाँ, अब क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई देखो, ये डायरेक्शन आ गई है ना ये वाली, तो यानी अब तुम्हें जो थीटा चाहिए ये चाहिए, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री पूरा, 180 और ये 120, तो 120 पे कितना आएगा माइनस 1/2, ये माइनस आ गया, और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है स्केलर, तो तुम्हें डायरेक्शन की तो कोई जरूरत ही नहीं है क्या कौन सी डायरेक्शन, तो डायरेक्ट तुम प्लस माइनस कर सकते हो, तो ये प्लस का आया है और ये माइनस, तो कर लो सॉल्व, तो क्या कॉमन आ गया देखो, ये टू से टू कैंसिल और ये इस टू से ये टू कैंसिल, क्या आ गया बाहर के क्यू बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लिया भाई, के एल भी कॉमन ले सकते हैं, के क्यू एल बाय आर स्क्वायर कॉमन कितना बचा 1 - 4, हाँ ये बचा गया -3। Yes. एक बार चेक करो यही आया है क्या, कैलकुलेशन देखना यही लग रहा है मुझे, तो क्या आंसर आया है इसका माइनस, एक बार भाई आंसर देखो एक बार क्वेश्चन देखना, कैलकुलेशन तो यही है, एक बार कैलकुलेशन सभी चेक कर लो कि -3 है या क्या है, cos 60 डिग्री 1/2 है, माइनस टू के के और 202 सेंटर को भी आर स्क्वायर, आई थिंक सही होगा ना, कहां पे मैम ऊपर, हां वो तो प्लस ही है, हां ये तो प्लस है, दिस इज प्लस, ये तो प्लस है, ये माइनस है, तो कितना 3 आ रहा है या अल्फा की वैल्यू, क्यू एल बाय आर स्क्वायर तो भाई देखो कॉमन आ गया, अच्छा इसमें के भी नहीं है तो के को भी सॉल्व करो भाई, के नहीं है देखो बाय आर स्क्वायर में अल्फा में के नहीं है, तो -3 क्यू एल बाय आर स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹, तो 9 × 3 का कितना हो गया -27। अब ठीक है देखो टाइम्स ऑफ 10⁻⁹ भी लिखा हुआ है, तो अब आंसर कितना आया -27, तो ये चीज ध्यान रखो है ना, देखो 10⁻⁹ भी है और वहां पे के नहीं है, हमारे में के आ रहा था तो के को भी ओपन करो, तो आंसर क्या आया -27। ठीक है yes,
इतनी जल्दी ये कौन आया इतनी जल्दी? गुड़िया तो गुड़िया गुड़िया करके तो मुझे लगता नहीं कोई स्टूडेंट आता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करो। पोटेंशियल एनर्जी का एक सवाल उठा लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का एक क्वेश्चन, हम एक ये वाला। ठीक ये वाला क्वेश्चन करो, ये सवाल करो पोटेंशियल एनर्जी का। चलिए आंसर बताओ। ठीक बताओ भाई। देखो ऑप्शन बी बी किसका आ रहा है? अमिशिता। इशिता। इशिता हो गया तुम्हारा मोबाइल चार्ज? मम्मा के फोन से किया लॉगिन। वेरी गुड। तो देखो क्या है, वर्क वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। तो हमें पता है वर्क डन बाय, जब भी पोटेंशियल एनर्जी दिखे ठीक है, या फिर वर्क डन दिखे, तो वर्क डन से समझ जाओ कि वर्क डन है तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट ना पूछेगा, नहीं पूछना चाह रहा ना, तो वो वर्क डन की टर्म्स में बात करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना? पोटेंशियल एनर्जी की चेंज के बराबर होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन। तो कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, विच इज इक्वल्स टू यू माइनस माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल। ये आ गया। तो ये है तुम्हारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना आएगा फाइनली और इनिशियली? इनिशियल देखो क्या है, चार्ज जो है कहाँ है? लार्ज स्फेयर है, मतलब बहुत बड़ा स्फेयर है, वेरी लार्ज, लार्ज भी नहीं वेरी लार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, क्या? के क्यू बाय आर। अब आर अगर इनफाइनाइट, ये बहुत बड़े की बात कर रहे हैं, तो आर टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारा इनिशियल टर्म क्या हो गया? जीरो। ठीक है, और फाइनल कितना हो जाएगा? कहां तक आ गया? आर तक। तो माइनस के क्यू बाय आर माइनस ए वेरी लार्ज चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस कंपेयर्स यूनिफॉर्म टेंडेंसी रेडियस द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन ये पोटेंशियल आया, तो मल्टीप्लाई बाय एक चार्ज और, तो कितना आ गया? के क्यू केयर बाय आर। अच्छा ये तो एक सेकंड, टू आर भी तो आ रहा है, तो फोर आएगा, तो ये टू कैसे आया? एक सेकंड, चार्ज थ्रू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस कंप्रेस यूनिफॉर्मली टिल इट्स रेडियस रिड्यूस टू आर, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इन दिस प्रोसेस। अच्छा भाई, ये तो माइनस का फिर एट कैसे? वन बाय टू भी तो बनेगा फिर कहीं से, देख सकते।
its radius reduces to r. इशिता कैसे आया, बी कैसे आया? मैम पहले मैंने स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट किया ना, सिंपली यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन करके किया है. अच्छा डी आर करके निकाला है, यू डॉट डी आर. अच्छा इनफाइनाइट से आर किया है इसमें, ठीक है एक बार उससे भी ट्राई कर लेते हैं. देखो अब इससे नहीं आया आंसर, तो इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है. तो दूसरा इंटीग्रेशन हमारे पास है तो वो करेंगे. देखो इनफाइनाइटी से कहाँ गए आप, आर पे, तो के क्यू बाय आर डी आर, यही के क्यू बाय आर स्क्वायर भाई. फिर इससे तो लॉग आर हो जाएगा, के क्यू बाय आर पोटेंशियल एनर्जी, के क्यू बाय आर स्क्वायर का करेंगे तो आर की पावर माइनस टू प्लस वन, वन बाय टू. अच्छा तो इन्होंने ऐसे नहीं निकाला, इन्होंने वर्क डन निकाला है q मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पोटेंशियल u फाइनल माइनस u इनिशियल करके, ठीक है. और r स्क्वायर से तो बन पाएगा, पर ये q हो गया तो k q स्क्वायर कॉमन आ गया, वन बाय r स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन करना कितना बनेगा, 1 by r square का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वही माइनस 1 by r. माइनस 1 by r और पार 2 आएगी नीचे, है ना भाई, पार भी तो आएगी, ठीक है. तो ये आ गया तुम्हारा के क्यू स्क्वायर बाई टू आर. तो भाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है. डायरेक्ट नहीं यूज हो, डायरेक्ट कर रहे हो तो फॉर्मूला भाई गलत आ रहा था, तो इसीलिए अब हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन से किया, तो हमारा आंसर बी आ गया, ठीक है. तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. वेरी गुड इशिता. ये बताओ तो देखो क्या है कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट. कोई सरफेस है जिसका पोटेंशियल इतना है. टू स्टेटमेंट बताई गई है कि एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इंटेंसिटी जीरो है बट पोटेंशियल 100 वोल्ट रहेगा. तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा गलत है? बोलो. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट. फर्स्ट वाला ठीक लग रहा है? यस मैम. नहीं फर्स्ट वाला गलत है, दूसरा बताओ. मैं मतलब एस वन करेक्ट है वो बोले. एस वन ठीक है, मतलब ठीक है, चलो ये तो सही है, करेक्ट है. बाकी दूसरा, दूसरे की बताओ. दूसरी भी करेक्ट है, ट्रू है दूसरी भी. दूसरी भी ट्रू है. अब बताओ जी, तो हमारे पास ऑप्शन बचे सी और डी, कौन सा है? सी. हम सी. ठीक है, वेरी गुड. तुम्हारा ऑप्शन क्या है? सी. ये बताओ. ऐसे सवालों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में कल.
मैंने तुम्हें जब ये चैप्टर कराया था ना तो एक प्रॉपर्टी बताई थी फ्लक्स की, उस प्रॉपर्टी को याद करो। बताओ, देखो ऐसे सवालों में ना टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी मैं जब तुम्हें पढ़ाते वक्त कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्स से बताती हूँ ना, वो याद रखा करो। मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस अगर यूनिफॉर्म फील्ड में हो तो उसकी वजह से फ्लक्स ऑलवेज जीरो आएगा। तो यहाँ पे देखो फील्ड क्या दी हुई है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड गिवन बाय दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्यूब तुम्हारा क्लोज्ड सरफेस है, तो इसकी वजह से आंखें बंद करके तुम डी ऑप्शन टिक कर देते, ठीक है। तो ऐसे सवालों में टाइम वेस्ट ना करना, फ्लक्स की ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, याद रखना इसको। फ्लक्स के लिए अगर फील्ड यूनिफॉर्म है और क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, तो आंख बंद करके फ्लक्स कर दो जीरो, ठीक है। इसका आंसर डी है। अब ये देखो, अगर इस तरीके के सवाल आए तब तुम्हें क्या करना है, तब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो तुम्हें फॉर्मूला पता है तब उसका इस्तेमाल करो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल यूनिफॉर्म। ये है ना भाई, ये देख लो फील्ड कैसी है, कैसी फील्ड है, वेरिएबल है क्या है, अरे वेरिएबल भाई देखो x डायरेक्शन में फील्ड, x जो ex है वो तुम्हारी वेरी कर रही है 2x स्क्वायर से, और y में जो फील्ड है वो y से, ये y है, y मतलब कोऑर्डिनेट पे वेरी कर रही है, बट ez में फील्ड जीरो है, वो है कांस्टेंट। तो तुम्हें y का z का तो निकालने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ कहाँ के निकालो, x का निकालो और ey की वजह से फ्लक्स निकालो, ठीक है। कल एक सवाल मैं बता भी रही थी ना, जो समझा रही थी वो यही सवाल है। चलो करो, ये सबसे डिफिकल्ट लेवल में जाएगा अगर सवाल आएगा भी, तो देखो डिफिकल्ट लेवल का सवाल है ये। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट ds। तो E है और ds यानी एरिया निकालो, एरिया वेक्टर सरफेस एरिया। अगर ex है तो तुम्हें एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में चाहिए, x डायरेक्शन में। तो उसी के अकॉर्डिंग अपना एरिया चुनो, किस कौन सा एरिया लोगे, x y y z d z को लिए y z। कल ही समझाया मैंने, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आई, कल कितना समझाया तुमने, करो। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर लिया, पोटेंशियल भी कर लिया, डाइपोल भी कर लिया, फ्लक्स भी कर लिया, मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, एक दो अच्छे अच्छे सवाल और देख लेंगे।
इसका आंसर आ रहा है भाई, n की वैल्यू बतानी है, जैसे ही करवाओगे हैं तो तो हम 12 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, और किसका आ रहा है भाई, देखो सबसे पहले अगर ई एक्स निकालें फ्लक्स एक्स की वजह से ई एक्स डी एक्स होगी, ठीक है, ई एक्स कितना है मेरा 2x2 एरिया, एरिया लेने वाले हैं वाई जेड में, वाई जेड का एरिया कितना है 3 × 2 यानी 6, एक्स कॉम्पोनेंट एक्स में लेंथ कितनी है तुम्हारी 1, तो कितना आया ये तुम्हारा 12 है ना, हाँ। अब y में करो ऐसे ही e डॉट डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 4y, ठीक है, अब एरिया वेक्टर चाहिए डॉट एरिया वेक्टर, देखो अब मुझे चाहिए वाई डायरेक्शन में चाहिए यानी सरफेस एरिया कहाँ होगा एक्स जेड, है ना, तो एक्स जेड में कितना है 1 × 3, तो कितना आ गया 3, y की वैल्यू देखो लेंथ कितनी है 2, तो ये आया -24, z की वजह से तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है, तो नेट कितना आया तुम्हारे पास -12 ये फ्लक्स है, और फ्लक्स किसके बराबर होता है 2 ε0, और ये तुम्हारा आया है -12, q किसके बराबर गिवन है n ε0, तो -12 आ गया, है भाई -12 आ गया, yes, mom. तुम्हारा कितना आया था -12, वेरी गुड, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं तुम लोगों को, और मैं भी होमवर्क के लिए तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर सेंड करूंगी, उस क्वेश्चन पेपर को एक बार रिवाइज उस क्वेश्चन पेपर को एक बार कर लेना, ठीक है, वो लास्ट जो पेपर हुए थे उसमें वो पेपर आया था, तो एक बार उसे कर लोगे तो वो स्टैंडर्ड पेपर है, हम आज सॉल्व नहीं कर पाए क्योंकि मुझे तुम्हें एटलीस्ट फॉर्मूले तो रिवाइज कराने थे, हाँ कृष्णा का आंसर एकदम सही, दीक्षांत तुमने तो आज रिप्लाई किया ही नहीं, दीक्षांत क्या कर रहा था, हम क्या था रिप्लाई, रिप्लाई तो सिर्फ किसने ये जो भी ये रिप्लाई कर रहा था वो कौन था भाई एक बार मुझे बताना, लड़कियों में तो मुझे पता है लड़कों में कौन था, हैं बताएंगे थोड़ी, चलो सो ऑल द बेस्ट सभी को, और रिवाइज कर लेना कल के टेस्ट के लिए, और अच्छा टेस्ट देना एकदम शांति से, ठीक है, तो यस बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू मैम, बाय, थैंक यू मैम।